नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल्स की। दोस्तों, हीलिंग में क्रिस्टल्स के यूज की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत अधिक है। क्यों क्रिस्टल्स यूज में लाए जाते हैं हीलिंग के अलग अलग विशेष को पूरा करने में, जो हमारे जीवन के कुछ कार्य अगर रुक रहे हैं उन्हें पूरा करने में, कुछ अगर हमारी इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करने में क्यों क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है, आज हम उसको भी समझेंगे। और किस रंग का क्रिस्टल किस समस्या में उपयोग करना चाहिए या किस विश को पूरा करने में उपयोग करना चाहिए, आज उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना है कि क्रिस्टल्स एक ऐसा आप कह सकते हैं सब्सटेंस है जिसको जब ऊर्जान्वित कर दिया जाए, एनर्जाइज्ड कर दिया जाए, एक्टिवेट कर दिया जाए, तो जिस पर्पस के लिए उस क्रिस्टल को एक्टिवेट किया गया, एनर्जाइज्ड किया गया, वो सेम वाइब्रेशन को रेडिएट करता है आपके ऑरा में, आपके चक्रास में, उस एनर्जी को जागृत करता है जिससे आप अपने उद्देश्य को पूरा कर पाते हैं, अपनी विश को पूरा कर पाते हैं, अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को हटा पाते हैं। तो क्रिस्टल्स को जनरली इस्तेमाल, कोई भी क्रिस्टल हो, किसी भी पर्पस के लिए कोई भी क्रिस्टल जब यूज करना है तो पहली बार आपको उसे नमक वाले पानी से धो लेना चाहिए। अगर आप सेंधे नमक वाला पानी लेते हैं तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर माना जाता है। उसके बाद आप उसे नॉर्मल साफ पानी से धो लेंगे। कोई भी क्रिस्टल जब आपने पानी से धो लिया, उसको आप अपने लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड उसके ऊपर रखते हैं और 3 मिनट से लेके 21 मिनट तक, कम से कम 3 मिनट और 21 मिनट तक इवन आप कर सकते हैं, उस वक्त ईश्वर का नाम जपिए। जिस भी रूप स्वरूप में आप अपने ईश्वर को मानते हैं उनका नाम जपिए। जब आप उनका नाम जपते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट होती है और उसके बाद आपकी जो विश है, जिस पर्पस के लिए आप उस क्रिस्टल को चार्ज कर रहे हैं, वो बोलना होता है। अब दूसरा तरीका क्रिस्टल को चार्ज करने का होता है, अपने दोनों हाथों को रब कर लेते हैं और जिस भी क्रिस्टल को चार्ज करने लगे हैं उसके ऊपर दोनों हाथों को इस तरह रखते हैं और वही 3 मिनट से लेकर 21 मिनट तक ईश्वर के नाम का जाप करते हैं और आपको खूब वाइब्रेशन भी फील होगी और फिर वो ऊर्जान्वित क्रिस्टल जिस पर्पस के लिए आपने ऊर्जान्वित किया है वो पर्पस उसमें बोल कर इस क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे ब्रेसलेट फॉर्म में है तो इसे अपने हाथ में पहन सकते हैं। अब मैं रंग वाइज क्रिस्टल्स कौन सा किस काम में आता है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं पिंक कलर के क्रिस्टल से। दोस्तों, ये जो पिंक कलर का क्रिस्टल है, ये है रिलेशनशिप को बेटर करने में मदद करता है। अपना जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहे उसमें मदद करता है। जिनकी शादी नहीं उनको अपना एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए उसमें मदद करता है। मैरिड लाइफ अगर ठीक नहीं चल रही, आपस में एक वर्ड होता है अंडरस्टैंडिंग, अभी ध्यान रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग केयर अगर कम है, एक दूसरे के प्रति हेट्रेड भावना ज्यादा हो रही है, तो आप पिंक कलर के क्रिस्टल का यूज कर सकते हैं। किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो पिंक कलर के क्रिस्टल का यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, इमोशनल जो मूड स्विंग्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी पिंक कलर के क्रिस्टल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम ये गोल्डन कलर के क्रिस्टल की। ध्यान रखना है, जिन लोगों का बिजनेस ऑलरेडी ठीक चल रहा है और वो चाहते हैं कि इसमें और तरक्की हो जाए, उन लोगों को गोल्डन कलर का क्रिस्टल यूज करना चाहिए। जिनका अभी बहुत स्ट्रगल टाइम चल रहा है, पैसा जनरेट नहीं होता, खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे, उनके लिए गोल्डन क्रिस्टल नहीं है। उनके लिए अभी दूसरा कौन सा क्रिस्टल यूज करना है उसको हम समझेंगे। फिर से समझते हैं कि गोल्डन क्रिस्टल उन लोगों को यूज करना है जिनका बिजनेस ऑलरेडी अच्छा चल रहा है और वो चाहते हैं कि बिजनेस में और ज्यादा ग्रोथ हो, तो उन लोगों के लिए गोल्डन क्रिस्टल्स यूज करने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल, और इसमें आप देखेंगे डार्क ग्रीन क्रिस्टल इंक्लूडेड है और एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल है जो ये नॉर्मल ग्रीन कलर का क्रिस्टल है।
अब दोनों में फर्क को भी हम साथ में ही समझेंगे। जो ये डार्क कलर का ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स हैं, अगर आपके फाइनेंस में बहुत ज्यादा रुकावटें आती हैं, पैसा रुक रुक के आता है, पैसा टूट के आता है, पैसा आता नहीं है, मार्केट में पैसा मर जाता है, लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, तो ऐसे में आपको ये डार्क ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास आने वाले धन में जो रुकावटें हैं, जो ब्लैकिश एनर्जी है, नेगेटिविटी है, उसको भी हटाता है और फाइनेंस को अट्रैक्ट करने में भी मदद करता है। इसके बाद जो ये नॉर्मल ग्रीन कलर का क्रिस्टल है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में पैसा मरता हो, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग लेके भाग जाते हैं, लेकिन जनरली फाइनेंस रेज नहीं हो रहा, फाइनेंस आ नहीं रहा, पैसा जनरेट नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में आप नॉर्मल ग्रीन कलर का क्रिस्टल यूज करते हैं। इवन इसको जहां आप पैसा रखते हैं वहां पे रखने में भी ये मनी को अट्रैक्ट करना शुरू करता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ये डार्क ब्लू कलर के क्रिस्टल की। ये क्रिस्टल आपकी वाणी से रिलेटेड है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है, ये आपके एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। बहुत से कार्य आज की डेट में इस तरह के हैं जिसमें आपका एक्सप्रेशन बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, जहां आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, कैसी आपकी वाणी, कितना आपका उस पर कंट्रोल है, बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। तो ऐसा किसी का भी अगर प्रोफेशन है, खासकर काउंसलिंग वाला, तो वो इस तरह के डार्क ब्लू कलर के क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं। जहां आपको अपनी बातों से किसी को प्रभावित करना है, इम्प्रेस करना है, तब आपको वो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिलने हैं, तो कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन के लिए है ये, तो इस क्रिस्टल का वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों ये ऑरेंज कलर का क्रिस्टल है, ये बेसिकली सेक्रल चक्रा का क्रिस्टल है। अब ये भी एक तो रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट करता है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन को इम्प्रूव करता है, जहां एक दूसरे के प्रति प्यार की कमी हो, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन की कमी हो, तो आप इस क्रिस्टल का यूज करते हैं। जो लोग अपने जीवन में अब चाहते हैं फैमिली कंप्लीट हो, बच्चा पाने की चाह रखते हैं, या चाइल्ड होने में, कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको भी इस ऑरेंज कलर के क्रिस्टल दो, क्योंकि ये सैक्रल चक्रा को एक्टिवेट करता है, एनर्जाइज करता है, तो ऑरेंज कलर के क्रिस्टल का यूज करना चाहिए। इसके बाद ये आप देखेंगे एक क्रिस्टल, इसे स्मोकी बोला जाता है, क्योंकि ये ना कंप्लीट ब्लैक है और ना व्हाइट है, ये ग्रे स्टोन रखता है, इसे स्मोकी बोलते हैं। स्मोकी का दोस्तों बहुत बड़ा काम होता है एनवायरमेंट क्लीनिंग का, माइंड क्लीनिंग का, नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करने का। तो जब भी अपने माइंड को आपने देखा कि ऑब्जर्व किया, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं पॉजिटिव के कंपैरेटिव, जब आपने देखा सराउंडिंग की एनर्जीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लग रही हैं, तो स्मोकी क्रिस्टल का आप यूज करके उस नेगेटिव वाइब्रेशंस को, नेगेटिव थॉट्स को हटा सकते हैं अपने जीवन से और दोबारा सकारात्मक होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये भी ऑरेंज कलर का ही क्रिस्टल है, इसका सेम कार्य जैसे मैंने कहा था सेक्रल चक्रा को ऊर्जान्वित करना, मेन कार्य इसका ये होता है। अब जब देखेंगे ये थोड़ा शाइनी में है, ये थोड़ा डल में है, जब फिजिकल प्रॉब्लम इंटेस्टाइन्स में हो, जब एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ठीक से ना हो रहा हो, इंटेस्टाइनल क्लिंजिंग ठीक से ना हो रही हो, तो इसके कंपैरेटिव इसे प्रेफरेंस दी जाती है। यह जब कंसेप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को अट्रैक्टिव लगे, अट्रैक्ट कर सके, उसके लिए शाइनिंग ऑरेंज कलर का क्रिस्टल यूज किया जाता है। इसमें दोस्तों ये भी स्मोकी है और ये भी स्मोकी है, इसमें इन दोनों का कार्य एक है। जनरली जो फीमेल पहनती है ये थोड़ा शाइनी क्रिस्टल पहनती है, और जब मेल्स पहनते हैं वो इस तरह का नॉर्मल क्रिस्टल पहनते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे ब्लैक क्रिस्टल की। ब्लैक क्रिस्टल जहां आ गया दोस्तों, तो जहां आपको लगता है कि कोई जानबूझकर आपका कुछ बुरा चाहता है, नेगेटिव चाहता है, आप पे अलग अलग तरह की रुकावटें डालने की कोशिश करता है, ब्लैक मैजिक टाइप जिसे हम कह सकते हैं, कोई ऐसी इच्छा रखता है आपके अगेंस्ट की, आपका बिल्कुल कार्य रुक जाए, आपके रिलेशन बिल्कुल खराब हो जाए, आपको कोई ऐसा सुख है जिससे वो आपको वंचित करना चाहते हैं, तो उनसे बचे रखने के लिए, बचे रहने के लिए ये काले रंग के क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है।
ग्रीन को हम समझ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं येलो कलर के क्रिस्टल्स पे। येलो जो होता है ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा क्रिस्टल माना गया है, खासकर जिन लोगों को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको डेफिनेटली येलो कलर का क्रिस्टल यूज करना चाहिए। जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, जिनको डायबिटीज रहती है, जिनको गैस एसिडिटी रहती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए तो आप येलो क्रिस्टल यूज करेंगे ही। इसके अलावा किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम है, खासकर बार बार कोई बीमार हो जाता है, इम्यूनिटी कमजोर है, उनमें भी आप इस तरह की येलो क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं। अगेन ये जो शाइनी वाला है जनरली फीमेल यूज करती हैं और ये नॉर्मल वाला जो है जनरली मेल पहनना पसंद करते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं ये वॉयलेट कलर की, आपके थर्ड आई चक्रा का क्रिस्टल है, मेडिटेशन में मदद करता है, ध्यान साधना में मदद करता है, पीस ऑफ माइंड में मदद करता है। जिनको टेंशन स्ट्रेस एंजाइटी इंसोमनिया रहता है उनमें यह बहुत मदद करता है, जिनमें इरिटेटिव स्वभाव हो गया, छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, उनमें यह बहुत मदद करता है। दोस्तों चूंकि आपके आज्ञा चक्र का है तो आपकी मेमोरी को इंक्रीज करता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इस क्रिस्टल की, इसे बोलते हैं टाइगर्स आई। ये बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल माना जाता है। जिन लोगों को ऐसा लगता है बार बार जिनको नजर लग जाती है तो नजर से बचाने का कार्य बहुत अच्छा करता है। यह बृहस्पति का क्रिस्टल माना जाता है, आपके अंदर की विजडम को, आपके अंदर के विवेक को जागृत करता है, कब कहां क्या करना चाहिए उसकी जो एक्चुअल विजडम है उसे जनरेट करने में ये टाइगर्स आई क्रिस्टल बहुत अच्छा रोल अदा करता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं रेड कलर के क्रिस्टल में। जब भी रेड कलर का क्रिस्टल आ जाएगा तो रूट चक्र आ जाएगा, आपकी हड्डियों को स्ट्रेंथ देगा, आपकी मांसपेशियों को स्ट्रेंथ देगा। अगर जिन लोगों के पास पैसा आता तो खूब है, लेकिन ऐसे ही बह जाता है, उन्हें रेड कलर के क्रिस्टल का उपयोग करना चाहिए। जिन लोगों को भी कोई जैसे धन संचित करके कोई बड़ी चीज खरीदने, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह बनानी है, तो धन आ रहा है लेकिन संचित नहीं हो रहा कि प्रॉपर्टी वगैरह बना सके, उसके लिए भी आप रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, यहां आप देखेंगे ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों यह जो क्रिस्टल है, जब आप मेडिटेशन, कई लोग क्या करते हैं जब मेडिटेशन करते हैं तो कुछ अच्छी अच्छी अनुभूतियां भी होती हैं, लेकिन उसके साथ में उनके अंदर डर भी पनपना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यह आपके अंदर से नेगेटिविटी को हटाता है और चंद्रमा की जो एनर्जीज है वो आपके अंदर बढ़ाता है। इसको इस तरह समझ लीजिए कि जिस आप कुछ लोगों को होता है अपनी इंट्यूशन पावर्स को खूब बढ़ाना है, अपनी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाना है, अपनी हीलिंग पावर्स को मैनिफोल्ड करना है, लेकिन जब वो गहरे ध्यान में जाने की कोशिश करते हैं तो उनको डर लगता है, तो उन लोगों के लिए है बहुत ही सटीक और बहुत ही कारगर क्रिस्टल। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे ये मल्टी क्रिस्टल की। अब इसके अंदर आप देखेंगे रेड भी है, ऑरेंज भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है, वॉयलेट भी है, और यहां पर आप देखेंगे तो हेमेटाइट भी है। तो आपके सभी जो लाइफ के एस्पेक्ट अगर गड़बड़ है और आपको लग रहा है कि सभी को ऊर्जा चाहिए, तब आप ये मल्टी कलर क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो मुझे सबसे अच्छा लगता है क्रिस्टल, ये हेमेटाइट क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल के अंदर अपनी एक मैग्नेटिक पावर होती है, यह मैग्नेट की तरह कार्य करता है, लोहे को अपने साथ अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों इसका कार्य है कि आप जो भी चीज सोचो और वो आपके जीवन में आकर्षित हो जाए, उसमें यह बहुत अच्छा काम करता है। मतलब एक वर्ड में कहा जाए जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये आपकी अट्रैक्शन की पावर को बढ़ाता है कि आप जो भी चीज सोचो, मांगो, चाहो, वो आपके जीवन में आपको मिल जाए, मैनिफेस्ट हो जाए, इसका मेन कार्य है ये। तो दोस्तों आज हमने क्रिस्टल्स के बारे में जानकारी प्राप्त की, कौन सा क्रिस्टल क्या कार्य करता है उसके बारे में जाना और सीखा। तो आज के इस वीडियो में इतनी जानकारी के साथ मैं जगमोहन सरजीवा आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।